तो हेलो डेटर आज था वेनसडे बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी आज के दिन पे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ अब हम लोगों ने कल का देखा तो यूएस मार्केट ने अच्छा खासा सेल ऑफ दिखाया था बट कहीं ना कहीं बाकी के जो मार्केट थे फ्लैटिस्ट थे तो ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखा जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट गैप डाउन वगैरह खुलते मोमेंटम डाउन सेट दिखाएगा तो वो हम लोगों को तो नहीं देखा निफ्टी का अभी आज का दिन कैसा था निफ्टी सत्तर अस्सी पॉइंट डाउन चल रहा है बैंक निफ्टी तीन सौ तीन सौ पॉइंट अप चल रहा है अब या तो अगर मार्केट को एक साथ चलना है तो निफ्टी ऊपर खींचा जाएगा या तो या तो फिर बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींचा जाएगा बट स्टार्टिंग से ही मॉर्निंग में हमने देखा है कि एक अच्छे लेवल से ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी ने लगभग सवा नौ से सवा दस बजे एक्जेक्टली एक घंटा एक मार्केट ने मोमेंटम दिखाया अपसाइड बैंक निफ्टी का और उसके बाद सीधा ढाई ढाई पौने तीन बजे तक जाके हम लोगों ने देखा मार्केट ने लिटरली पूरा वन साइड मोमेंटम करने के बाद साइड वेज साइड वे, वे करने के बाद उसके बाद जाके थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिला निफ्टी ने थोड़ा सा ऑपोजिट किया पूरा दिन लगभग नीचे सस्टेन किया लास्ट के वन आवर में हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने एक अच्छा अच्छा खासा मोमेंटम लाइक शॉर्ट कवरिंग वाला मूव हम लोगों ने करते हुए देखा तो बहुत ही डिफिकल्ट डे था कम्पेटिवली जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईजी हो सकता है डाउनफॉल आ सकता है क्योंकि यूएस का मार्केट नीचे की तरफ गिरा हुआ था तो वैसा दिन तो नहीं गया आपका दिन कैसा गया कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए तो चलिए अब डिटेल डिस्कस करते कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से जिसके ऊपर अपने को फोकस करते हुए काम करना है ओके okay, दोस्तों यहां पर ना हम लोग आज थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हम लोग देखने वाले हैं कुछ चीजें मैंने नोटिस की तो आपको मैं पर बता देता हूं तो देखो आज हम लोग का मार्केट स्पेशली निफ्टी निफ्टी ने यहाँ पर कैसा कैंडल फॉर्म किया हुआ डेली चार्ट है ये बाय द वे तो ये कल का डोजी कैंडल बना हुआ था डोजी कैंडल का हम यहां पर देखते हैं बॉटम भी टूटा हाई भी टूटा कहीं ना कहीं यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनते हुए दिख रही है ओके और अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट उठा के देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मोरू बोजू कैंडल बना हुआ है जहां पर ओपन हुआ लगभग हल्का सा विक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहां पर बनते हुए दिख रहा है तो मतलब जो मेजर इंडीज हैं अगर हम सेंसेक्स देखें फिर निफ्टी देखें तो ये सब के सब अट्रैक्टिवली कहीं ना कहीं जो मेजर इंडीज हमको मार्केट के अंदर है वो स्ट्रॉग वे में यहां पर आज के दिन पे क्लोज हुआ बट अगर यही हम लोग देखें स्मॉल कैप मिड कैप जो अच्छे खासे से रनअप दे चुके हैं तो उसमें आज के दिन पे कहीं ना कहीं अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखते हुए देखा है जिसमें स्पेशली एमजीएल एमजीएल का आपने सुना होगा कि न्यूज आई हुई है उन लोगों ने रेट कट वगैरह किया है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपैक्ट होगा और मतलब बहुत सारे मिक्सचर में दो से तीन न्यूज है कहीं ना कहीं इंपैक्ट और करते हुए माइनस सत्रह के आसपास फॉल करके एमजीएल तो ऐसे करते हुए बहुत सारे स्टॉक्स जो है स्मॉल कैप के ये ड्रॉप हुए तो अब ऐसे सिचुएशन में को क्या बोला जाता है ओवरऑल अगर हम यहाँ पर कमेंट करें तो कहीं ना कहीं यहां पर इंडेक्स मैनेजमेंट का काम चल रहा है और ये कहीं ना कहीं साइन होती है कि मार्केट अब

मार्केट लगभग अब बैंक निफ्टी जिस हिसाब से यहां पर अब ये चैनल पैटर्न का तो बिल्कुल दरिया उड़ाते हुए दिख रहे हैं वो मैं आपको लेवल बता देता हूं। तो पहला हर्डल है ये 48, एक काम करते हैं। हम थोड़ा सा याद रहे दिमाग में तो इसको थोड़ा हम लोग राउंड नंबर ले लेते हैं तो फोर्टी है जहां पर यहां से रिजेक्ट जो था मार्केट और यहां से एक बार डोजी बना था कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था नेक्स्ट डे पे तो हमने डाउन खुलते हुए देखा तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए और दूसरा इसके बाद फिर सीधा

इस दिन पे भी स्ट्रगल किया ये ब्रेकआउट हुआ बट कहीं ना कहीं स्ट्रगल वाला था अब आज के दिन पे यहां पर डिप लगने के बाद जो ये ब्रेकआउट दिया ये ब्रेकआउट दिया तो जब तक ये वाला जोन कौन सा जोन है ये ये वाला जोन है हमारा तकीबा 47,500 एक्चुअली लेवल 460 सिक्सटी का है, और 47,500 आपके ध्यान पे रहेगा ये वाला जोन अब स्ट्रॉग सपोर्ट है स्ट्रॉग सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो हम लोगों का ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा फिर रिजेक्शन 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 फेक ब्रेकआउट गैप डाउन खुला या नीचे की तरफ एक दो दिन साइडवेज करने के बाद अगर 47,500 ब्रेक करता है तो अपने को शार्प डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है एटलीस्ट फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 46,500 वाला जोन 100 सौ दो पॉइंट ऊपर नीचे गया, करकर करकर के यहाँ पर कैलकुलेट करके देखोगे तो मैं सेलिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ प्लीज नेगेटिव मत हो जाएगा मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ से ऊपर जाता है तो ये दो हर्डल्स हैं उसके बाद फिर वो फोर्टी नाइन भी दिखा सकता है नीचे आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रशल रोल जो है मार्केट यहाँ पर प्ले कर सकता है दैट इज फोर्टी बात करते हैं अगर निफ्टी की तो निफ्टी का सिचुएशन क्लियर है यहां से अगर ब्रेकआउट देता है लेकिन अब मैं आपको इंट्राडे ही समझा देता हूं यहां पर पंद्रह मिनट के चार्ज के ऊपर चलते हैं

उसके पीछे का लॉजिक है उसके पीछे का लॉजिक सिंपल है एक बार अटैम्प हो चुका है दूसरी बार अटम्प हो चुका है तीसरी बार यहां पर अटैप होने की कोशिश हो रही है ट्वेंटी टू फाइव करने के लिए साथ में अगर हम यहां पर ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं तो यहां पर हम लोग निफ्टी का देखेंगे ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर तो यहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा यहाँ पर वन लाख थर्टी नाइन थाउजेंड कॉन्ट्रेक्ट जिसमें तो अगर लेट से ट्वेंटी के ऊपर सस्टेन कर करता है अपने को यहाँ पचास से साठ पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है तो का यहाँ यहाँ प्लान कर सकते हैं अब वो एक्जैक्टली पचास पॉइंट मारता है एक्जैक्टली दस पॉइंट मारता है साठ पॉइंट मारता है वो अपने पास कोटली रजिस्टेंस है नहीं तो कमेंट नहीं कर सकते बट ओवा डेटा के हिसाब से यहां पर अगर सस्टेन कर जाता है तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि एक बार को जो भी सेलर बचा कुचा हुआ है कि जो एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट गिरेगा 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 तो शायद वो उनको भी एग्जिट करवाने के बाद फिर वो नीचे की तरफ मार्केट यहां पर आ सकता है ओके अगर हम बात करें सेलिंग की कि अगर कल फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो उस केस में हम सेलिंग का कहां प्लान करें जो एक लॉजिकल लेवल हो सकता है जहां पर हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं तो देखो सिंपल है बॉटम टू टॉप हमने यहां पर फिर बना चुरा किया ओके अब इसके जो ये लेवल्स है ना ये वाला सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल है तो इन दोनों लेवल्स के ऊपर सेलिंग करने का लॉजिक नहीं इनफैक्ट डिप बाय यहाँ पर प्लान कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस लेवल्स पर मतलब ट्वेंटी टू वाला लेवल ट्वेंटी टू वाला

तो हम लोग यहां पर प्लान कर सकते हैं सेलॉन ऑन सेलॉन वाइज सेलॉन वाइज करते हुए अपना उसमें पहला स्टॉप टारगेट जो बैठा है सपोर्ट लेवल के हिसाब से ट्वेंटी टू थाउजेंड टू एटी का नेक्स्ट जो है इस लेवल्स को हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर पे रैंडम सेलिंग करने की थोड़ी बहुत कोशिश मत करना अवॉइड करो जितना हो सके हाँ अगर आपको ऐसा दिखता है कि ये ब्रेकआउट हो गया बट तो यहां पर डबल टॉप पैटर्न ऐसा कुछ बन रहा है बैडे हेड एंड शोल्डर ऐसा कुछ बन रहा है तो हम एक लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ यहां पर हम प्लान कर सकते हैं बट थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर बट स्टिल अगर आपको ऐसा है, तो अगर कुछ बनता है कुछ दिखता है तो यहां पर आपको प्लान करना है डबल टॉप पैटर्न पैटर्न या बुलिश शोल्डर अगर बनता है तो उसमें कैसा है कि आपके पास लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा नहीं तो बस ऐसा मार्केट ऊपर जा रहा है मैं यहां सेल करू यहां सेल करू यहां सेल करूं एवरेज करते हुए बैठो ओपन मार्केट और ऊपर खींचेगा तो कोई सेंस नहीं बनता कुछ अगर दिखता है इस लेवल्स के ऊपर जैसे कि ये अपना रिजेक्शन लेवल है एज पर चैनल पैटर्न के हिसाब से तो कुछ दिखता है यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपनो हो गया कल डिप लगा फिर ऐसा आपको दिखाते तो हो ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ प्लान कर सकते हैं छोटा सा अपना स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर वन डे शो टू के हिसाब से या नहीं फिर यहाँ पर अपना वन डे शो के आसपास बैठा के हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं आई होप द पॉइंट इज क्लियर बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी का देखो इसने चैनल पैटर्न को यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया है ऊपर क्लियर पर सस्टेन कर दिया है अब हम बात करते हैं इसका इंट्राडे के हिसाब से क्या सेटअप बैठता है क्या नहीं बैठता है तो देखो आज मैंने ये चीज कही थी कि 48,000 के ऊपर टिक जाता है तो कहीं ना कहीं नही फोर्टीड टू एट्टी वाला लेवल अपने को देखने के लिए मिल सकता है मार्केट ने ट्राई किया लगभग लगभग 48,150 वाले लेवल्स तक पहुंचा बट मार्केट ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं कर पाया ऊपर के पे टिक नहीं पाया रीजन सिंपल था कि निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था अब एक अकेला सेक्टर कितना ही भाग लेगा और साथ में एक्सपायरी वाले दिन तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मैन्युलेशन यहां पर करनी थी तो इतना ईजी वे में ऊपर जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था कहीं ना कहीं वन मोमेंटम करने के बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ क्लोज हुआ तो अब कल फ्लैट या गैप अप खुलता है 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है पांच मिनट या दस मिनट सस्टेन करता है तो यहां से जर्नी हमारी फोर्टी टू एटी की लगभग यहां पर तय हो चुकी है यहां पर मार्केट कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम यहां पर दिखा सकता है सेम चीज मैं आपको ऑप्शन डेटा के ऊपर भी यहां पर बताऊंगा नॉ लेट से फॉर एक्जाम्पल हम कहते हैं कि कल अपना ये सपोर्ट लेवल जो यहां पर मार्केट बनाते हुए गए यहां पर भी सपोर्ट लिया यहां पर भी सपोर्ट लिया यहां पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश की गई है कल फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और अपना 47,860 वाला लेवल ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपना इसके पहले एक्चुअली ये सपोर्ट लेवल है ये रिजेक्शन लेवल और ये रिजेक्शन था यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया है 47,860 के नीचे ब्रेक करता है तो 47,680 सेवन इसको ब्रेक करता है तो हम लोगों का मेजर सपोर्ट लेवल आके बैठा है 47,460 जो मैंने आपको 47,500 मैंने ऊपर डेली चार्ट पे आपको समझाया तो ये जब ब्रेक करता है तो एक छोटा सा हम यहां पर ट्राई कर सकते हैं सेलिंग करने के लिए जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड लेवल यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लैट का गैपअप खुलता है फोर्टी के ऊपर सस्टेन कर देता है लेट से मैं आपको एक दे देता हूं लेट से ये हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया अब मार्केट क्या करता है यहां खुलता है ऐसा सस्टेन करता है और ऐसा ब्रेकआउट दे देता है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 टू 60 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस करते हुए 48,280 उसके बाद फिर सीधा 48,630 वाला लेवल है जो कि लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का अगर इसका मैं आपको ऑप्शन चेन डेटा बताऊँ फॉर्टी एट थाउजेंड क्यों इंफरसाइज कर रहा हूँ यहां पर राउंड नंबर है साथ में अपना अगर यहां पर ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो यहां पर आप देखिए तो यहां देखिए अगर आप नेक्स्ट uh, कॉन्ट्रैक्ट्स के देखते हो तो 48,000 पे अच्छा खासा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इस लेवल्स पे आपको यहां पर दिखेगा हाँ अगर हम पुट साइड भी देखें तो लगभग वन लग लाख लग क्वांटिटी है कुछ ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है बट स्टिल 48,000 पे टिक जाता है तो कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट यहां पर हो सकता है जिसपे हम लोग फोर्टी एट वाला लेवल यहां पर हम कंसिडर इस लेवल्स पे ऊपर कर सकते हैं नीचे का जो मैंने आपको बताया फॉर्टी सेवन वाला लेवल है मतलब फोर्टी तो इस लेवल्स पर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है एटी के आसपास ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर उसको ब्रेक करता तो एक पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है उसके पहले स्कैल्प वाले ट्रेड्स है सौ से डेढ़ पॉइंट के लिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि सिंपल सा फंडा है सपोर्ट लेवल्स से वो ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रीच करने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग विल सी नेक्स्ट वीडियो Oh, oh, oh.